दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में जीत की अहदराह पर वापसी कर ली है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम डीसी ने शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 6 विकेट से हराया। दिल्ली की जीत के एक दो नहीं बल्कि कम से कम 5 हीरो रहे। पहले कुलदीप यादव और खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी कर लखनऊ को बड़ा स्कोर बनाने से रोका और इसके बाद जैक फ्रेजर, मैकर पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने बेहतरीन बैटिंग कर अपनी टीम जीत सुनिश्चित कर दी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट से हुआ, तो वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स जो LSG ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन का स्कोर बनाया। लखनऊ की टीम ने महज 94 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद आयुष बडोनी और अरशद खान ने 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को लड़ने लायक स्कोर दिया। इन दोनों ने 42 गेंद में 73 रन की नाबाद साझेदारी की। कुलदीप यादव ने मैच में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट झटके। कुलदीप ने लोकेश राहुल, मार्क्स स्टोन इंस और निकोल्स पूरन के अहम विकेट चटकाए और इससे पहले कुलदीप यादव ने क्विंटन डिकॉक और देवदत्त को आउट किया था। ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार ने भी एक एक विकेट लिए। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स ने अच्छी शुरुआत की और अंत तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा। पहले ओपनर पृथ्वी शॉ ने मोर्चा संभाला, उन्होंने 22 गेंद पर 32 रन बनाए। आईपीएल में डेब्यू कर रहे जैक फ्रेजर, मैक्स ने तो ऐसी शुरुआत की जैसे उन्हें इस तरह के मुकाबले में खेलने का अपार अनुभव हो। उन्होंने 35 गेंद पर 55 रन बनाए। मैकर्स ने शुरुआती 2 स्कोरिंग शॉट छक्के थे। ऋषभ पंत ने भी 24 गेंद पर 41 रन की खूबसूरती पारी खेली। दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल 2024 में दूसरी जीत है। ऋषभ पंत की टीम इस जीत के पॉइंट्स टेबल में 10वें से 9वें नंबर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरी नंबर पर खिसक गई है। राजस्थान रॉयल्स 8 अंक के साथ पॉइंट टेबल पर नंबर 1 बनी हुई है।